और गाइस आज मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज फाइनली हम लोग देखने जाने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम। का प्लान था बोलते परसों जाने के लिए बट वो हुआ नहीं। हम लोग आज सैटरडे और हाँ मतलब तीसरा दिन है और आज हम जाएंगे, हमारे साथ है रोनिन भैया, निंजा स्टाइल में है और मतलब आज मजा आने वाला है। सस्ते में कैसे मिला? क्योंकि हम लोगों के पास मूवी का पास था इसलिए। ऑलराइट सो मिलते हैं हॉल में। अभी हम लोग पहुंच चुके स्टेशन पे और ट्रेन भी आ चुका है, मतलब अभी हम लोग जाने वाले सीधा मॉल की तरफ, फिर मजा आएगा। ऑलराइट सो फाइनली हम लोग निकल पड़े अपने मंजिल की और एक्चुअली हुआ ये कि हम लोगों ने पहले 20 मिनट मतलब ये फाइंड आउट करने में लगा दिया कि हमें जाना किधर है, क्योंकि गूगल मैप तो अपना कांड मतलब अपना अलग ही रूप दिखा रहा है। सो फाइनली अभी हम लोग को डायरेक्शन लोकेशन मिल गया है, अभी बस चलना है और क्या, और जाके मिलते हैं और बहुत कुछ बात है। आज रॉयल में बैठेंगे, आज मतलब आज सच का रॉयल में बैठेंगे, नहीं हो रहा हाँ बट आज सच का रॉयल में बैठेंगे, पर उसमें भी झोल है, अब वो झोल क्या वो बाद में बताएंगे। एक गली में एक ना एक ऑडी मिल ही जाता है भाई साहब, एक BMW देखा और एक मर्सिडीज और 5-6 का ऑडी तो मतलब ऐसे गिरा हुआ लग रहा है कि क्या बताऊं, जो भी बढ़िया है। Alright, so finally we are at कहाँ पे? Inox. अरे Inox नहीं, जगह का नाम बताओ, जगह का नाम। जगह का नाम है City Center Mall Sector 5. City Center 1 Sector 5? नहीं Sector 1. Sector 5. अरे जो भी हो मतलब वो बाद में हम बता। अब जो मेन बात है कि हम लोगों का टिकट का प्राइस कितना लगा? कितना लगा? एक्चुअल प्राइस क्या था? पहले वो बताओ। एक्चुअल प्राइस था 200. I mean 200 और हम लोगों ने कितना दिया? कन्वीनियंस फी मिला के वो चला जाता था तुम्हारा 230 इतना तक। मतलब एक्चुअल फीस हमें लगता एक्चुअल फीस था 230 ऐसा पकड़ लो, और हमें कितना देना? हमें टोटल देना पड़ा 143 जो कि बहुत ही मतलब क्या बताऊँ सस्ते में हो रहा है, और इससे मजेदार बात और क्या हो सकता है। सो अभी अंदर दिखा दे। तो अभी हम लोग आ चुके गेमिंग सेक्शन, देखा ना ऊपरे था भाई तो निश्चय। सो अभी हम लोग आगे फाइनली अंदर, अभी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि अभी तो खाली है। सो फोटो वोटो खींचेंगे फिर मूवी देखने जाएंगे। It was not easy from the start. सो यहाँ पर कुछ ऐसा है, अभी ये कैसा है, अभी ये क्या है मुझे कुछ पता नहीं। सो आपका क्या ख्याल है, ये क्या हो सकता है? ये तो लगते खाने का दुकान होगा। खाने का दुकान मुझे नहीं पता, जो भी हो अच्छा है। और उधर है स्टारबक्स कॉफी जो कि हमारा औकात, हम लोग किसी और तरफ चलते। अभी हम लोग अभी मतलब आ चुके हैं Inox के अंदर, अभी ये है हम लोगों के लिए सीट, हम लोग इधर भी आराम से बैठ के वेट करेंगे, इधर हम लोग फोटो खींच सकते हैं। और भी ये है मैट्रिक्स का पोस्टर, सामने भी बहुत कुछ है, चलो मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये देखो ओह माय, और ये रहा हमारा स्पाइडरमैन, दोनों पोस्टर्स है। सो अभी फोटो सेशन चलेगा और फिर तो मजा ही मजा। सो अभी हम लोग एकदम आराम से सोफा में बैठे हैं, और मतलब हम लोग थोड़ा जल्दी आगे, जल्दी इसलिए आगे क्योंकि हमें फोटो खींचना था और हमें थोड़ा एक्सप्लोर करना था। अब एक्सप्लोर तो हम लोग कर नहीं पाए, अब यहाँ पे
साउंड का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। सो अभी हम लोग बैठेंगे और मास्क इसलिए पहनो क्योंकि ये बोल रहा है, इसलिए मैं मास्क पहनो, नहीं तो यहाँ पर कोई नहीं है। मास्क नहीं पहनने से भी चलता, बट ओके कोई बात नहीं। हमारा एक दोस्त फोन कर रहा है जो कि मूवी पे नहीं आ पाया, थोड़ा फोटो देख लो इसका। ये रहा कैमरा का फोटो। हेलो देखिए बसिस स्पाइडरमैन इज डन। और भाई साहब इतना बढ़िया मूवी, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इसलिए आशीष क्यों रो रहा था कि मैं ये सोच मतलब नहीं स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, मतलब अब मैं समझ सकता हूँ कि आशीष क्यों रो रहा था। मतलब सच में यार काफी इमोशनल है, काफी ड्रामा है और मतलब सरप्राइजों से भरा हुआ है। अब हम खाना खाएंगे फिर मिलते हैं गाइस। You don't see the things I see. So, हमारा मूवी हो गया खत्म। और मतलब मैं क्या बताऊँ यार, इतना मैं कुछ बता नहीं पाऊंगा। एक हम काम करेंगे घर में जाकर, मैं अच्छे से बैठ कर आराम से बताऊंगा। पर फिर भी उसके पहले मूवी कैसा लगा ऑल ओवर? मूवी बहुत बढ़िया, मतलब एक वर्ड में अगर तुम्हें समझाना। हॉल भी बहुत बढ़िया था, लेकिन हॉल का छोड़ दे क्या, लेकिन क्या जो शॉपिंग मॉल में गया था ना वो थोड़ा सा मतलब शॉपिंग मॉल हम लोगों को डिसअपॉइंट किया वो अलग बात है, बट मूवी एक वर्ड में अगर तुम्हें डिस्क्राइब करना है तो तुम कैसे करोगे? अच्छा था, अमेजिंग, फैंटास्टिक, जैसा